दो पौधे, एक शमी का, एक बेलपत्र का। भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, अगर भूल से भी तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। दो वृक्ष की छांव और दो वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिवजी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं, तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, चार कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम, सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे घर से, जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया एक लोटा जल। शमी तीन देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है, पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज, क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था, कौन इनको विवाह, अभी आगे आप कथा में सुनेंगे शमी और मंदार की कथा जब आएगी।